guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. In today's video we will be discussing a very important topic from surgery जो कि short answer type question में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है and that is ganglion. Ganglion क्या होता है? Ganglion एक type की tensely cystic swelling होती है, ठीक है? और ये myxomatous degeneration जब हो जाता है synovial sheath का joints जो है वो synovial sheath से covered होते हैं, तो वो जो जॉइंट है वहां पर ये चीज देखने को मिलती है, ठीक है? अब हम देखते हैं इसमें आगे क्या चीजें मेंशन की गई है. तो यहाँ पर लिखा हुआ है दैट ये जो सिस्ट होती है या फिर ये जो गैंग्लियन होता है इसमें ये अबंडेंट फाइब्रस टिश्यूज में होते हैं, ठीक है? तो दीज आर कॉमन अराउंड द जॉइंट्स. ऐसे जॉइंट्स के आसपास ये ज्यादातर मिलते हैं जहां पर फाइब्रस टिश्यूज ज्यादातर होता है, ठीक है? और यहाँ गैंग्लियन जो होता है क्योंकि ये एक स्वेलिंग है तो उसके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड होता है और वो जिलाटिनस फ्लूइड होता है, ठीक है? नाउ टॉकिंग अबाउट द कॉमन साइट्स, तो फ्रेंड्स अगर आप ओपीडी में गए होंगे तो आपने कई बार देखा होगा पेशेंट्स आते हैं दैट उनके जो फूट रीजन है वहां पर गैंग्लियन है या फिर उनके रिस्ट का एरिया है वहां पर गैंग्लियन देखने को मिलता है. तो स्कैफोलूनेट आर्टिकुलेशंस जो होते हैं वहां पर गैंग्लियन ज्यादातर देखने को मिलता है. फूट में मिलता है, डॉर्सल लैटरल दोनों एस्पेक्ट में. और जो स्मॉल गैंग्लियन होते हैं ये फ्लेक्सर एस्पेक्ट ऑफ फिंगर्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो दीज वर द कॉमन साइट्स की कहां पर गैंग्लियन देखने को मिल रहा है. अब हम इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो ज्यादातर इसके जो पेशेंट्स होते हैं ये बिटवीन 20 से 50 इयर्स के होते हैं, ठीक है? ये राउंड से ओवल तक स्वेलिंग हो सकती है, मतलब राउंड भी हो सकती है, ओवल भी हो सकती है. और ये डॉर्सम ऑफ हैंड, ठीक है, मतलब हाथ के पीछे वाले पार्ट में देखने को मिलती है. इसका सरफेस स्मूथ होता है और राउंड बॉर्डर्स होते हैं. और जो स्किन होती है इसके ऊपर की उसमें जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था सीबेशियस सिस्ट, तो वहां पर एक पंक्टम देखने को मिल रहा था, बट यहाँ पर जो स्किन होती है दैट इज क्वाइट नॉर्मल, ठीक है? स्वेलिंग जो होती है वो टेंसली सिस्टिक और फ्लक्चुलेंट होती है. ट्रांस इल्यूमिनेशन इसमें नेगेटिव होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है? When the tendons are put into contraction, the mobility of the swelling gets restricted. ठीक है? तो अगर tendons को contraction के mode में रखा जाता है, अगर जब हाथ के tendons जो है, वो contract करेंगे या फिर पैर के, तो उस time जो mobility है, वो ganglion में देखने को नहीं मिलती. Ganglion joint spaces के साथ connect होता है, तो कई बार ऐसा होता है कि वो slip हो जाता है in between the bone. ठीक है? और उस टाइम वो जो जॉइंट स्पेसेस है उसमें ये क्योंकि कनेक्टेड नहीं होता है तो वहां पर स्मॉल स्लिपिंग की वजह से ये इम्प्रेशन देखने को मिल जाता है, ठीक है? अब अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि गैंग्लियन इज बेटर लेफ्ट अलोन, ठीक है? इसका कोई भी ट्रीटमेंट ज्यादातर करने की जरूरत नहीं पड़ती है. एस्पिरेशन भी किया जा सकता है इंजेक्शन से जिससे इसका साइज तो कम हो जाता है बट ये परमानेंट क्योर नहीं होता है. सिस्ट का जो ट्रॉमा है वो परमानेंट क्योर होता है. अब ट्रॉमा क्यों कहा जा रहा है यहाँ पे परमानेंट क्योर? क्योंकि जो गैंग्लियन है जब वो प्रेस हो जाता है टाइट से तो देयर आर चांसेस दैट वो क्या हो जाए, वो वहां से गायब हो जाए, वो फिर देखने को नहीं मिलता है, ठीक है? तो अगर कोई हार्श ट्रॉमा है, चोट लग जाती है उस गैंग्लियन पे, तो कई बार ऐसा होता है दैट उसके प्रेशर से वो गायब हो जाता है, ठीक है? सडनली एक्सिशन कैन बी डन, सॉरी सर्जिकल एक्सिशन कैन बी डन. तो सर्जिकल एक्सिशन भी इसका किया जाता है बट उसकी रिकरेंस रेट भी यहाँ पर भी हाई देखने को मिल रही है, ठीक है? अब हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करें तो कई बार डर्मोइड सिस्ट अगर हाथ में इम्प्लांट हो जाए तो ये देखने को मिल सकता है. इससे आप कंफ्यूज कर सकते हो या फिर बोन की एग्जोस्टोसिस हो जाए तो भी ये देखने को मिल सकता है. एंड बर्सा, बर्सा, बर्सा जो होती है उसका जो विदे इन्फर्मा इसका फॉर्मेशन जो होता है तो विडे इंफ्रा का फॉर्मेशन भी डिफरेंशियल डायग्नोसिस होती है किस चीज की, गैंग्लियन की. तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है बिकॉज एग्जामिनेशन में ये तीनों पॉइंट्स लिख दिए जाएंगे एंड यू विल हैव टू मार्क द ऑड वन आउट कि वो चार पॉइंट्स में से कौन से ऐसे पॉइंट है
जो कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस नहीं होता है गैंग्लियन का। तो अगर आप ये याद रखोगे तो आप उस क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यस, दिस वाज ऑल अबाउट गैंग्लियन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फ्रेंड्स, मैं सर्जरी के लेक्चर्स डेली शेयर करती हूँ, तो अगर आप चाहते हैं वो वीडियोस मिस ना हो तो जल्दी से मेडिक्योर बडी को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आप मेडिक्योर बडी के अपकमिंग अपडेट्स मिस ना करो। थैंक यू।